तो गाइस फिलहाल हम लोग वलसाड़ पहुंच चुके। 30 किलोमीटर हम लोग आगे चले गए थे। 30 किलोमीटर भाई, हाँ चलाते चलाते तो पिछवाड़े में छाले पड़ गए। अभी बाहर बाहर जाने का मैं रुक के बैठा हूँ क्योंकि लाइसेंस की वजह से। यार देखो इसका चाबी का ऐसा दाग लग लगता नहीं, इसका धस धस के गई है। बम्बई से अच्छा लोग नहीं कि वलसाड़ का लोग है, बम्बई से अच्छा आदमी लोग वलसाड़ का है। वापी का लोग भी अच्छा नहीं है, वलसाड़ का क्या लोग बता देता है, वापी का लोग भी नहीं बताता है। किधर वलसाड़ इसे वलसाड़ हाय गाइस दिस इज आकिश चेदी जी बैक इन अगेन विद द न्यू व्लॉग गाइस। वो पहले वाला इंट्रो को मेरे को डिलीट करना पड़ा क्योंकि पैसा यहाँ वहाँ हो गया था भाई। पहला इंट्रो कर दिया था, बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन क्या करे ये मम्मी की वजह से डिलीट करना पड़ा और फिर से मुझे प्रॉपर फिर से अपनी इंट्रो फिर से स्टार्ट करना पड़ा। फिलहाल तो आज जाने का है मुझे वलसाड़, वलसाड़ जाने का है कुछ काम के लिए। क्या बात, आरटीओ का ना? अच्छा कुछ ऐसा आरटीओ को काम से जाने का, ऊपर से जाने का, उससे पहले जाऊंगा वापी, वापी भी जाऊंगा अपना गाड़ी का सर्विस के लिए दूंगा। उधर से फिर मैं और पापा निकलेंगे बस से वलसाड़। ये खत्म होने का आ गया है, अंडा है और फटाफट खाता हूँ। खाने के बाद में निकलेंगे वलसाड़ के लिए। पापा बोले कि तुम रेडी वेडी हो जाने की, मैं अभी तो सो के उठा हूँ। मैं थोड़ा सा आलसी हो गया था। माहौल ऐसा बना था एकदम ठंडा वाला माहौल, तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता एकदम। ये देखो पूरा माहौल एकदम अच्छा माहौल है ना, बारिश से ना धूप है। अरे वो पत्ते लोग कितना हरा भरा हो गया एकदम। और ऐसा करूंगा तो जब मेरा मोबाइल नीचे चला जाएगा मैं हरा भरा हो जाऊंगा मार खा के। ना नाश्ता करते, नाश्ता करने थोड़ा तैयार होता, तैयार होने के बाद फिर फटाफट निकलते हैं वलसाड़ के लिए। ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वलसाड़ वापस आने में बहुत लंबा ब्लॉक हो जाएगा। चलो जाने के लिए एकदम फिलहाल रेडी हूँ मैं। पापा नीचे आ गए, मैंने उनको बोला तो आप लोग आप नीचे जाओ क्योंकि मैं हेलमेट में ये मोबाइल फिट करना, मोबाइल फिट करने वाला फिर जाना है, तो इसलिए पापा को बोला कि आप नीचे जाओ, मैं हेलमेट निकालता हूँ, मैं फिट उठ करके आता हूँ। ये हेलमेट फिट करने का भी यार झंझट ही होता है ना, 5-10 मिनट इसमें चला जाता है फिलहाल। सो गाइस जैसे कि हेलमेट फिट कर दिया हूँ मैं, हो गया हेलमेट फिट। ये रहा चश्मा, चश्मा भी लेना पड़ेगा, और ये रही चाबी, लेके निकलते हैं। पहले चश्मा लगा लूँ मैं क्योंकि चश्मा लगाना अंदर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा अपना सैंडल, पहन के जाता हूँ मैं। चल माँ निकलता हूँ, तुम भी आया। अंदर चलो अंदर। सलाम ऊपर लेके फिर साथ से हम सब 4, 5, 6, 7 सब बना। सो गाइस गाड़ी तो ये रही, बहुत गंदी है जैसे कि मैंने धोया नहीं, आप लोग देख सकते हो पूरा बुरा हाल है। मान ली बारिश के लगते एकदम इधर भी एकदम खराब सा हो गया था। ये तो इधर लिखवाया था अपना चैनल ने, कोई मतलब नहीं पड़ा, टेढ़ा वेढ़ा लिख दिया है। ऊपर से उस दिन थोड़ा राइट पे गया था, मैं ब्लॉग नहीं कहता, नहीं उससे पूरा गाड़ी खराब हो गई है पूरा। चल निकलते हैं पापा। बुरा
ये यहीं पे हम लोग शूट किया था मालूम है, जो एल्बम शूट किया था ना रैम्बो के साथ में, यही होटल में किया था। रुको उधर देखता हूँ अभी, थोड़ा सा अभी थोड़ा पापा को लगा कि मैं थक चुका हूँ, वापस अभी जाना है वलसाड़। मेरे को मालूम नहीं था कि गाड़ी लेके वलसाड़ जाना है, लेकिन जाने का पड़ेगा यहाँ। थोड़ा अभी पापा चल ड्राइव करेंगे, मैं थोड़ा आराम। काम हो ही नहीं पाया यहाँ पर, इतना ना मुसीबत है ना, यहाँ पे आने का तो रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है। आपको वो पापा को बोला जा रहा है कि आप गाड़ी का नंबर लेके आओ, POC लेके आओ, CHS नंबर, क्या नंबर, फलाना ढिंकाना, कितना लफड़ा है ना यहाँ पे आने का। गाड़ी का पेपर लेके आओ तो जाके होगा यार,
कितना जानते हो अभी पापा वहाँ पे घूम रहे अंदर। तो बोला कि अभी तो फिलहाल काम नहीं हो, एक बार और आना पड़ेगा यहाँ पर, फिर करवाना पड़ेगा। चलो फिर एक बार आने मिलेगा मौका, राइड करने का मिलेगा। लेकिन यार पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते यहाँ आने। अब 30 किलोमीटर आगे चला गया था मैं यार, मैं नहीं पापा ड्राइव कर रहा था, मैं क्यों, मेरे पर क्यों लूँगा। फिलहाल अभी निकलते हैं थोड़ा टाइम में यहाँ से, डायरेक्ट वापिस जाके सर्विस करवाना है यहाँ पे, इस गाड़ी का काम करवाना। इतना गंदा हो गया ना, लग रहा है एक महीने की गाड़ी है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख के इतना तैयार आ रहा है। फिलहाल निकलते हैं जाके डायरेक्ट। वलसार से आगे चले गए थे तो फिर 30 किलोमीटर मेरे को चला के आना पड़ा, तो बहुत दिक्कत हो गया था। ऐसे आ गया, मैं ऐसे चुपके से आया ना, आवाज सुना पे अनसुना कर दिया ना, तो उठ के आएगी। हाँ अरे वाह। तो भाई फिर से आ गए तो ये वीडियो को एंड करने के लिए आए, एंड करना पड़ा क्योंकि खाना वाना का नहीं बता रहे, क्योंकि बहुत कष्ट के सर दर्द होने लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था मेरे लिए, क्योंकि वलसाड़ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उससे भी ज़्यादा दूर हम 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए, तो ड्राइव करके मुझे जाना पड़ा, तो हेलमेट की वजह से पूरा गर्दन दर्द दर्द होने लगे थे, फिर सर दर्द भी बहुत ज़्यादा तेज था, तो उसके कारण मैं सो गया था। फिर उठा, उठने के बाद खाना वाना खाया, फिर अभी थोड़ा टाइम लग, थोड़ा टाइम टच किया मैंने मोबाइल पे, तो ये वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़। और फिर से मैं रेगुलर ब्लॉग पर ध्यान दूंगा, और बहुत जल्द रेगुलर ब्लॉग आपको रोज़ाना देखने मिल जाएगा। चलो अभी तक चलता हूँ सोने के लिए, बाय।